दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज मैं आया हूं बुसुडी पहाड़ में। तो दोस्तों इधर देख सकते हो पीछे तरफ का लोकेशन कितना अमेजिंग दिख रहा है ना, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों यहां पर आज मैं किस लिए आया हूं थोड़ा बहुत आप सबको मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं मम्मी को पहुँचाने गया था घर, ठीक ना, तो मम्मी को पहुँचा दिया अपना घर तक। ठीक है, मतलब कुछ 1 किलोमीटर नहीं, हम लोग 300-400 मीटर की दूरी तक पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ के बारे में मैं कुछ राज बताना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो इधर आप लोग देख सकते हो इधर सब तरफ चट्टाने हैं। ठीक है, इधर रास्ता है, ये रास्ता जाती है आपका सरायकेला खरसांवा, ठीक है, रड़गांव से होकर के। ठीक है, तो साथियों इस जगह पे दोस्तों लोग इंटरनेट चलाने के लिए आते हैं। इधर इधर आप लोगों को पूरा देखने को मिल रहा है, यहाँ से लोग इंटरनेट चलाते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग इस जंगल से उस नीचे तरफ चले जाएंगे ना, तो आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी आपको नेटवर्क बिल्कुल चलाना नहीं मिलेगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं, किसी को कॉलिंग भी नहीं, इंटरनेट कुछ कभी सुविधा नहीं है। तो दोस्तों सारे भाई लोग नीचे बोले या जंगल के उस पार बोले, सारे लोग यहीं आते हैं नेट चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, किसी से बात करने के लिए। हम लोग होते हैं ना शहरों में यार, मस्त आराम से रहते हैं, बेड बिस्तर में सो के बात करते हैं, इंटरनेट का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। वैसे यहाँ नहीं होता है भाई, यहाँ आना पड़ता है। यहाँ से आपका विजयगिरी का नेटवर्क आता है, हम लोग रड़गांव का नेटवर्क बोले तो लोग यहाँ इंटरनेट चलाने के लिए लोग आते हैं। इस प्रकार का यहाँ नौबत है। ठीक है, आमने सामने जैसे कि मैं थोड़ा बहुत गाँव का नाम लेना चाहूँगा, आपका हो गया अरांगा, बिलबिड़ा, मेरमतेंगन, प्यागुली, जन्मपीढ़ी बिलबिड़ा, बहुत सारा ऐसा गांव है। लगभग आपका अरांगा पंचायत के अंदर में 7-8 ऐसा गांव है जहां आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बस्तर का गांव में भी नेटवर्क नहीं रहता है। ठीक है, तो सारे लोग यहीं आते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। और यही एक रोड है जो दोस्तों जिससे हम लोग सरायकेला खरसांवा तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी से हम लोग आना जाना करते हैं, हर दिन का रोज़मर्रा का जीवन में हम लोग को यही रास्ता से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर अभी कुछ कुछ बंदे लोग थे, तो अभी कुछ लोग चले गए हैं। और क्या बोलते हैं, नाइट जैसे ही होती है ना, नाइट में फिर यहाँ बहुत सारे भाई लोग रहते हैं, सारे लोग इंटरनेट चलाने के पर्पज़ से आते हैं या किसी से बात करने के लिए। एक्चुअल में गांव घर से तो आता है नहीं, क्योंकि नेटवर्क का सुविधा है नहीं, तो सारे लोग यहीं से नेट का एंजॉय लेते हैं। ठीक है, अगर मैं भी इस क्षेत्र में रहता ना, तो अपन को भी यहाँ आना पड़ता यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने के लिए, किसी से बातें करने के लिए, ठीक ना, गपशप करने के लिए। हम लोग मज़े लेते हैं ना, तो मज़े यहाँ पर लोग लेते हैं। ठीक है, बरसात करता है तो यहाँ पर एक टू पुलिया है, पुलिया के अंदर में लोग घुस जाते हैं और पुलिया के अंदर से लोग इंटरनेट चलाते हैं। काफ़ी अमेजिंग है ना बस्तर का लोकेशन भाई। और देखो इस प्रकार का चट्टान है, इधर इधर देख रहे हैं ना, यही सब में लोग बैठते हैं, वो सब इधर उधर देख सकते हैं, वो सब में बैठ के मस्त सो के लोग इंटरनेट का मज़ा लेते हैं। दोस्तों अचानक यार मेरा चक्का का हवा घटने लगा है, हमको लग रहा है पंचर उंचर हो, देख सकते हो हवा है ये नहीं, पूरा हवा चेपो हो गया, इसमें हवा ही नहीं है। अभी जाएंगे सीधा हवा भरूंगा पहले। तेरे जैसा कोई नहीं यार। साथियों मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सुहावना, एकदम ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, और जैसे ही 10-11 बजने लगता है ना, तो धूप का तापमान बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत गर्मी लगता है यहाँ पे। जब तक गर्मी नहीं है तब तक ठीक है। ठीक है, अभी एकदम पेड़ पौधों का असर पड़ रहा है, पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने ऑनलाइन से परचेस किया। ठीक है, तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है दोस्तों, हम लोग बाज़ार में खरीदते हैं, ठीक है ना, कम प्राइस में 100-150-60 रुपये, ठीक है, उससे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, जो कंपनी के साथ हमें मोबाइल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक है डाटा केबल, तो साथियों अभी हम लोग डाटा केबल को निकालते हैं, और जब भी आप लोग मोबाइल चार्ज करते हो, ठीक है, तो ओरिजिनल डाटा केबल का ही प्रयोग करोगे तो बेटर होगा, उसमें आपको अच्छा कैपेसिटी मिलेगा, आपका बैटरी बैकअप सही होगा, जो चार्ज करने को उसमें जो 4.1, 3.1 इस प्रकार का होता है ना, तो ये आपका सेम जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग मेरा भी वैसे ख़राब हो गया, ठीक है, डाटा केबल ख़राब हो गया,
मैं नया परचेज़ किया हूँ, तो कैसा है थोड़ा बहुत आप सबों को दिखाऊंगा। कम से कम 3-4 महीना हो गया ठीक है ऑर्डर करके, बट डुप्लीकेट वाला से 100-150 रुपये वाला से मैं चलाता था, तो मेरे को लगा ना उससे बैटरी बैकअप सही नहीं हो रहा है, तो मैं अभी न्यू मंगाया हूँ। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं किस प्रकार है ठीक है। तो मैं खोलता हूँ सबसे पहले, इसके ऊपर में अच्छा से कवर वगैरह आता है ठीक, उसको तो मैं खोल के फेंक दिया ठीक ठीक है। इस प्रकार खुल जाता है ठीक है। हमारे पास क्या क्या चाहिए, एक आता है इस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ऑर्डर करते हैं ठीक है, टैक्स वगैरह चार्जेस वगैरह लगता है ना, GST बोलते हैं हम लोग, सारा कुछ इसमें दिया है ठीक है। वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से है ठीक है, GST कितना परसेंट पड़ा, टैक्स कितना परसेंट पड़ा, सारा कुछ इसमें आप लोग देख सकते हो। और शायद मेरा नंबर तो नहीं लिखा हुआ ठीक है, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहता है, तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं। तो ये रही मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ठीक है, तो इसको हम लोग खोलते हैं। तो इसी के अंदर में है ओरिजिनल डाटा केबल, 499 रुपये प्राइस बता रहे ठीक है, 499 रुपये, तो इसका प्राइस है 499। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं ठीक है, कुछ भी नहीं है अंदर में ठीक। अरे बाबा, तो इतना अच्छा से फिक्स हुआ रहता है, आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा से बढ़िया से बनाया गया है। तो इसको मैं निकालता हूँ, फिर इसको भी खोलता हूँ, तो फाइनली मेरा पास डाटा केबल आ गया ठीक है। ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट वाला नहीं है ठीक है, कितना अच्छा से है यहाँ पर। इसको आज से मैं यूज करूँगा ठीक है, वो 100-150 वाला को गोली मारो आपसे, काम चलाओ के लिए ठीक है, बट जो बैटरी बिकाओ का कैपेसिटी होता है ना, इससे बेटर होता है। देखो आज के बाद इससे करूँगा चार्ज, ताकि मेरा बैटरी बैकअप सही रहे और अच्छा काम करे, ताकि मुझको क्या बोलते हैं मेरा बैटरी सही सलामत रहे। अगर मैं कम प्राइस वाला डाटा केबल से करता हूँ ना, तो उसमें मेरा बैटरी मार खाता है ठीक है। बैटरी एक तो जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन बैटरी फूलने का वजह भी होता है कि हम लोग दूसरे दूसरे डाटा केबल या दूसरे दूसरे चार्जर से करते हैं ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया, तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारे चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोगों के सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।